टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर हाल में जगह बनाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने अपने 15 साल के करियर में लगातार राजनीतिक निशाने पर रहने को लेकर कभी परवाह नहीं की। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ व दीपिका मटमेले रंग का पैंट सूट पहने हुए है और उन्होंने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनी हुई। इस तस्वीर के साथ ही पत्रिका में पैसिफिक स्टार दीपिका पादुकोण दुनिया को ला रही है बॉलीवुड में शीर्षक प्रकाशित है। अमेरिका के प्रतिष्ठित पत्रिका को दिए अपने साक्षात्कार में अभिनेत्री ने कथित पर ऐतिहासिक तथ्य से छेड़छाड़ करने के लिए पद्मावत अपनी पहली प्रोडक्शन फिल्म छपाक की रिलीज के दौरान JNU छात्र के प्रति एकजुटता जताकर और हाल में पठान फिल्म के गीत बेशरम रंग में एक पाकिस्तानी जासूस के रूप में भगवा बिकिनी पहनकर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर हुए विवादों पर बात की। पत्रिका में छपे लेख के अनुसार जब दीपिका से लगातार सियासी तौर पर निशाने पर रहने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लंबा विराम लिया। 36 वर्षीय अभिनेत्री ने पत्रिका से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में कुछ महसूस होना चाहिए या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। लेख में अभिनेत्री ने कहा, ये भारत का समय है। विज्ञापनों तथा संगीत वीडियो में बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका ने कहा, भारतीय सिनेमाओं ने सीमाओं के दायरे को लांघ दिया है और भारतीय हर जगह मौजूद है, इसीलिए आप जहाँ भी जाते हैं आपको प्रसिद्धि मिलती है। उन्होंने कहा, ये भारत का समय है, हमारी जड़ों, हमारी विरासत, हमारे इतिहास के साथ एक भारत है, लेकिन एक नया और युवा भारत भी है जो उभर रहा है। अगर ये दोनों भारत एक साथ आते हैं तो इस वक्त वे मुझे वाकई आकर्षक लग रहे हैं। भारत ने 2023 एकेडमी अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते थे। SS राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के गीत नट्टू नट्टू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला और द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र की श्रेणी में ऑस्कर मिला। दीपिका ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक गीत तथा एक वृत्तचित्र के लिए ऑस्कर से खुश हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसे एक अवसर की शुरुआत होने के रूप में देखें। दीपिका ने अपने पति तथा सह अभिनेता रणवीर सिंह के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि एक आम धारणा है कि बॉलीवुड अभिनेत्रियों का करियर शादी करते ही या बच्चे होते ही ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा, मुझे अभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे मेरे सपनों और मेरी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखा है। वो बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान और प्रियंका चोपड़ा जॉनस के साथ उन भारतीय लोगों की सूची में शामिल हो गई है जो टाइम पत्रिका में जगह बना चुके हैं। वो 2018 में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और कैप कंपनी ओला से सह संस्थापक भावेश अग्रवाल के साथ टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल थी। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।